लड़ियां बोलते हैं, ये 400 रुपए में आती है 10 लड़ी। लड़ी तो ये सब तो एक सब प्रकार से हैंगिंग है। पे मंदिर पे ऑफिस में कहीं भी आपको हैंग करनी हो, जहाँ भी डेकोरेशन करनी हो वहाँ आप इसे कर सकते हैं। सिर्फ इसका बॉक्स है, एक बॉक्स 10 पीस है, तो मतलब कुल मिला के 2 रुपए का एक पीस पड़ गया जी। और भी फेस्टिवल्स है, जो भी चीजें आपको डेकोरेट करने के लिए अपने घर पे मंदिर पे जगह जगह सजाने के लिए चाहिए होती है, चाहे वो कैंडल हो, लड़ी हो, माला हो, राखी, पिचकारी, क्रिसमस डेकोरेशन, जो भी अपना फेस्टिवल है अपने चारों पांचों तो सारे अपनी शॉप यहीं पर ही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे ऊपर कैमरे की जब शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में आप समझ गए होंगे कि हम आज किसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में लाइट मार्केट की वीडियो की थी, अब सभी लोगों को बहुत पसंद आई। अब हम आ चुके हैं सदर बाजार में फूलों की मार्केट्स में, जहां पर त्योहारों में ऐसे फूल, इन फूलों के बिना त्योहार अधूरी मानी जाती है। दिल्ली भर में पूरी राजधानी से जितने भी विक्रेता हैं सभी सदर बाजार आते हैं और फिर तरह तरह की अलग अलग सामान की खरीदारी करते हैं। तो हम आज आ पहुंचे हैं, आज हम आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पर कितने कितने प्रकार के फूल, लंबे चौड़े मोटे, बहुत सारे अलग अलग कलरफुल, बहुत सारे खूबसूरत डेकोरेटेड कितने तरीके के मालाएं और भी तमाम चीजें आई है। हम आपको ये सारी वीडियो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा, सारी चीजें घूम कर दिखाएंगे। त्योहारों का सीजन है तो आपकी दुकान में क्या स्पेशल है? जैसा मैं देख पा रहा हूँ ऑल इन वन आप प्रोडक्ट्स रखते हैं, कैंडल से लेके मेरे पास डेकोरेशन के आइटम सारी आइटम अवेलेबल मेरे पास है, माँ से माता का देख सकते हो आप। एक बार पहले कैंडल्स के बारे में बताइए, किस किस प्रकार के कैंडल्स हैं? मैं मेरे पहले बात सुन लीजिए आप, किस किस प्रकार के हैं? सबसे महंगे और सबसे सस्ते कैंडल्स जरूर दिखाइएगा। सबसे सस्ती है सर, सबसे सस्ती क्या? 20 रुपए इसका बॉक्स है, 20 रुपए का बॉक्स है, एक बॉक्स 10 पीस है, तो मतलब कुल मिला के 2 रुपए का एक पीस पड़ गया जी। और बताइए, 30 रुपीज सबसे महंगे वाले दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन रेट में आते हैं, 20-30 रुपए में सभी जगह आते हैं। सबसे महंगे वाले कैंडल्स जो बहुत ही आकर्षित होते हैं आजकल मार्केट्स में, सेंटेड कैंडल इसी की मैं बात कर रहा था जी। अच्छा, तो जो यहाँ लिखा हुआ है लैवेंडर, ये लैवेंडर की खुशबू देगा जी। हाँ, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ये लैवेंडर की खुशबू वाला कैंडल है, तो ये इसका क्या रेट है? 720 के 12 60 रुपए का एक कैंडल, ठीक है। और सबसे सस्ते जो आपने अभी दिखाए 20 रुपए वाले, तो ये हो गए कैंडल्स की बात। अब और क्या स्पेशल है? क्योंकि जैसे ये झूमर इसे बोलते हैं, मतलब ये मंदिर पे या दरवाजों पे लगाने के लिए कहीं भी लगा सकते हो आप उसको। आप जैसे घर में डेकोरेट करने के लिए होता है, इसके स्टार्टिंग मेरे पास 50 रुपए से है, जो बाहर लगा हुआ मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं आपको देखो, ये आएगा, ये है सर 180 का, 180 का ये वाला, ये 200, ये साइड वाला, ये सर ये वाला पिंक वाला 200, सबके अलग अलग रेट है जी। 540 के 12 45 रुपए का पीस है सर, ये देखो, ये आएगा 1080 के 12 90 रुपए का पीस, 180 का पेयर। इसके बाद ये आएगा सर, ये आएगा सबसे खूबसूरत आइटम ये लग रहा है, इसका क्या प्राइस है? 180 जी। ये जो भी प्राइस आप बता रहे रिटेल होलसेल प्राइस? होलसेल है सर, रिटेल नहीं होगी मेरी दुकान पे, कुछ जो भी होगा होलसेल होगा, ओनली होलसेल ही है। हमारा भाजी बैठे हुए हैं, इनकी शॉप मेरे बड़े भैया ही है, बाकी देखो आप माते माते मेरी जैकेट मेरी हो ही पड़ी है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, मैंने इनकी दुकान घूमी, मैं कैमरामैन से एक बार और कहूंगा थोड़ा और नीचे से ऊपर तक नजारा देते, कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी चीजें आपको डेकोरेट करने के लिए अपने घर पे मंदिर पे जगह जगह सजाने के लिए चाहिए होती है, चाहे वो कैंडल हो, लड़ी हो, माला, राखी, पिचकारी, क्रिसमस डेकोरेशन, जो भी अपना फेस्टिवल है अपने चारों पांचों में, तो सारे अपनी शॉप यहीं पर ही है। मतलब जो हिंदू समाज के लोगों के लिए जो सबसे मेन फेस्टिवल्स होते हैं, या और भी समाज के लोगों के लिए, सभी फेस्टिवल सीजन के लिए आपके पास माल आते हैं और आप लोग माल सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए रखते हैं। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। तो अगर कोई ऑनलाइन, अगर दूर बैठा कोई दिल्ली से बाहर अगर आपको कॉल करता है, तो फिर आप मेरे शॉप का सर कार्ड ले लो आप, 2000 का मंगाए तो भी भेजेंगे, कोई 20000 का मंगाएगा तो भी भेजेंगे। देखिए भैया, ये 1500 रुपए का एक पीस है, अगर आप ऑनलाइन वगैरह चार चेक करोगे ना, ये 4000-4000 रुपए के, ये प्योर क्रिस्टल होते हैं जो कभी काले नहीं पड़ते ये। हाँ जी, इसके अंदर डिजाइन्स बहुत है, 1500 रुपए का एक पीस सेल कर रहा हूँ मैं इधर बैठ के, ये देखिए आप। और ये जो आप रेट बता रहे हैं ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट है। और अगर रिटेल, अगर मैं लेना चाहूँ अपने घर के लिए, अगर ये बस 200-300 रुपए चार्ज ऊपर से लगेगा, ऊपर से लगेगा? हाँ, रिटेल का प्राइस, रिटेल का प्राइस। और अगर मैं 12 पीस लेता हूँ तो फिर वही रेट लगेगा? हाँ। फिर दिखाएं इनकी दुकान में, इनकी दुकान में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनोखे
और सिर्फ मालाएं ही मालाएं हैं, लड़ियां आपके पास कम है, मालाएं ज्यादा है। तो बता सकते हैं ये मालाएं मतलब आप कहाँ से बनाते हैं, कैसे ये अपने बनवाते हैं? यहाँ से घर पे रहते हैं इंदिरापुरी, वहीं अपने बनवाते हैं, वहीं पे बनवाते जी जी। तो सबसे महंगी मालाएं कौन सी है आपके पास? हमारे पास सबसे महंगी जैसे पैकिंग के आइटम है जैसे ये वाले हैं, एक बार ये हाथ में लेके, हाँ ये सबसे महंगी है जी जी। क्या है इसका प्राइस? ये 360 रुपए दर्जन का है। 360 रुपए दर्जन, और क्वालिटी में आ जाएंगे 720 रुपए दर्जन के हैं जैसे, ये आ जाएंगे 720 रुपए। और सबसे कम रेंज की कौन सी है? सबसे कम रेंज की हमारे 30 रुपए से स्टार्ट है। खैर दर्शकों, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से इनकी दुकान शुरू होती है और वहां तक काफी दूर तक फैली हुई है और सिर्फ मालाओं की है, तो ये सबसे सस्ते वाली है। जैसे सबसे महंगी वाली 360 रुपए बताई, और ये देखिए कितनी छोटी और कितनी प्यारी खूबसूरत है, इसका प्राइस क्या है भाई साहब? 36 रुपए। 36 रुपए, 36 रुपए में ये 12 पीस है, 3 रुपए पीस पड़ जाएगा आपको। तो अगर कोई रिटेल में लेना चाहे तो आप देते हैं? हाँ, रिटेल में नहीं सर, रिटेल में नहीं। मतलब कम से कम आपको कितना क्वांटिटी में लेना होगा? एक दर्जन तो ले। अगर मैं ये खरीदता हूँ तो आप मुझे वही रेट पे देंगे? हाँ, एक पीस लूंगा तो आप नहीं दोगे? एक पीस। आपकी दुकान कौन से मार्केट में है? सदर बाजार के कौन से? पान मंडी में, सदर बाजार। पान मंडी सदर बाजार। तो एक बात बताइए, त्योहारों में ये मालाओं जितने भी मालाएं हैं इनकी बहुत महत्वता होती है, इन माला के बिना कहते हैं कोई भी त्योहार अधूरा है। हर जगह चाहे वो मूर्ति पर हो, शिल्पकार या फिर फोटो फ्रेम पे, सभी जगह मालाएं लगते हैं। एक बार आप बता सकते हैं आपके पास किस किस प्रकार की मालाएं हैं? मेरे पास मालाएं नहीं, हैंगिंग में आइटम है, लटकने हैं, लड़ियां हैं, रंगोली दिए हैं, इन तरह की आइटम है। एक बार आप अगर वहाँ से बताना चाहिए कि नाम क्या क्या होते हैं इनके? इनको लड़ियां बोलते हैं, 400 रुपए में आती है 10 लड़ी। लड़ी तो ये सब तो एक प्रकार से हैंगिंग लड़ी है। तो इनको कहाँ इस्तेमाल में लाते हैं हम? दरवाजे पे, मंदिर पे, ऑफिस में, कहीं भी आपको हैंग करनी हो, जहाँ भी डेकोरेशन करनी हो वहाँ आप इसे कर सकते हैं। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार अंदर आके इनके दुकान में जो जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं दिखाएं। सर इनको क्या बोलते हैं जो नेटवर्क हैंगिंग होती है? भी सारी हैंगिंग लड़ी ही है, बस अलग अलग डिजाइन के हैं। आप साइजेस भी देख सकते हैं, इनके पास कलरफुल है। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये फूल है, बट ये लग रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल, मगर ये सब जो है डेकोरेटेड आइटम्स वाले होते हैं, प्लास्टिक के फूल्स होते हैं, लेकिन इसमें कलर और वैरायटी और भी अलग अलग चीजें। सर एक बात बताइए, प्राइस आप क्या सेट करते हैं? क्योंकि मार्केट्स में तो बहुत सारे ऐसी दुकान है लड़ियों की, तो प्राइस आपकी बाकी सबसे कुछ अलग है, वही सेम रेट है, या फिर क्वालिटी पे आप फोकस करते हैं? हमारा फोकस क्वालिटी पे होता है, मटेरियल और लड़ियां तो सभी बेच रहे हैं, हमारा फोकस होता है क्वालिटी पे, और उसका फिर जब क्वालिटी होगी बढ़िया तो जाहिर सी बात है कि प्राइस ऊपर थोड़े बहुत तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर क्वालिटी मिलेगी आपको। अभी थोड़ी देर पहले भी आप वहाँ मिले थे और आप काफी देर से लगभग साथ साथ ही चल रहे हैं, क्या खरीदने के लिए आए आप सदर बाजार? नॉर्मली मार्केट, नॉर्मली घर के यूज के लिए। तो आप दुकान के लिए खरीदने या फिर अपने घर के इस्तेमाल के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो कहा जाता है सदर बाजार थोक के मार्केट्स हैं और यहाँ पर जो रिटेल के भाव में कम मिलते हैं, तो आपको क्या वही भाव में मिल रहे हैं या फिर? बिल्कुल वही भाव में मिल रहे हैं, बहुत अच्छे भाव में मिल रहा है। पहले के मुकाबले यहाँ आज भीड़ ज्यादा है, या फिर अभी त्योहारों के सीजन में मैं देख पा रहा हूँ भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है, और ये और बढ़ते जाएगी जब से दिवाली शुरू हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं, इतनी भीड़ के ऊपर कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, लोगों के जेब कट जाते हैं, पर्स चोरी हो जाती है, और भी कई सारी चीज का लोगों को अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। घर से आओ, अपना सुरक्षित आओ, अपना सामान का बिल्कुल ध्यान रखें। बाजार है, बाजारों में भीड़ रहेगी त्योहारों के टाइम पर। सदर बाजार में हम ढूंढते आप पहुंचे हैं मालाओं की दुकान में, जहाँ पर मालाएं मिलती है, जो फोटो फ्रेम में आप चढ़ाते हैं, मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं भगवान की पूजा अर्चना के दौरान। तो यहाँ पर ये सारी मालाएं हैं। अब इसमें साइजेस अलग अलग होते हैं, डिजाइन भी अलग अलग हैं, और रेट भी इन सब के अलग अलग होते हैं। इन मालाओं के बारे में बताइए, ये मालाएं जैसे अलग अलग प्राइजेस की होंगी, अलग अलग साइजेस की होंगी? ये 30 रुपए से स्टार्ट होंगे। कौन सी वाली? ये वाली 30 रुपए से स्टार्ट है। 36 रुपए। आज सुबह आपने लगता है नाश्ता नहीं किया है? ये काफी धीमी आवाज है आपकी। 4 बजे उठ के आते हैं भैया। 4 बजे उठ के? थोड़ा पटरी पे भी काम होता है तो एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो ही जाती है, आप समझ सकते हैं 4 बजे से काम कर रहे हैं। मुस्कान आपकी अच्छी है भाई। उसके बाद 60 रुपए। ये 60 रुपए? 60 रुपए। आप बता, 72 रुपए? ये 72 रुपए। 72 रुपए मतलब ये एक लड़ी 72 रुपए? 12 पीस। 12 पीस होती है, और सब सारे गुच्छे में 12 पीस होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और जरा बताइए, 90 रुपए दर्जन? 90 रुपए का ये 90 वाली। एक बात बताइए, आप 4 बजे उठ के आते हैं, आपकी छुट्टी कितने बजे होती है फिर यहाँ से? 8 बजे जाते हैं। 4 बजे आते हैं, 8 बजे जाते हैं? आपको पता आप कितने घंटे काम करते हैं?
सुबह पटरी पे 10 बजे तक, उसके बाद यहाँ 12-4 16 घंटे आप 16 घंटे काम करते हैं। तो अभी त्योहारों में ये आपका रूटीन रहता है डेली? त्योहारों में ज्यादा काम बढ़ जाता है। सदर बाजार में सभी व्यापारियों के बीच होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे बेहतर माल देता है, कौन सबसे अच्छी क्वालिटी की माल देता है। हम आप पहुंचे हैं एक और दुकान में, आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाजों पे सजाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो बाहर लटकन लगाए जाते हैं ये है, इसके बाद लड़ियां हैं और भी तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पे जो आप नजारा देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, सभी के अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग क्वालिटी के बनते हैं। इसके बाद जो ये हैंगिंग वॉल पे जो भी चीजें लगती है, इन्हें क्या कहते हैं भाई साहब? झूमर। इन्हें झूमर कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस के झूमर भी होते हैं, बहुत खूबसूरत। और ये लड़ियां हैं, ये लड़ियां भी होती है अलग अलग प्रकार की, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किसे झूमर कहते हैं, किसे लड़ी कहते हैं, किसे अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं त्योहारों में। त्योहारों में सदर बाजार ही नहीं, पूरी दिल्ली के जितने भी मुख्य मार्केट्स होते हैं, मेन मार्केट्स होते हैं, सबका ऐसे ही हाल होता है, वहां पर भीड़ इतनी ही रहती है। दर्शकों, वक्त हो चला है अब इस वीडियो में अलविदा लेने का, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको सदर बाजार की सारी खूबसूरतियों को दिखाया, त्योहारों के सीजन्स में यहाँ पर किस प्रकार की विक्रेताओं की भीड़ रहती है, कस्टमर्स की भीड़ रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर कुछ खरीदारी करना चाहें तो सदर बाजार से खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है। फिलहाल वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन जो है आने वाला है और हम हर मार्केट जाकर आपके लिए हर मार्केट को एक्सप्लोर कर बेस्ट बेस्ट चीजों को आपको दिखाएंगे। वीडियो में बंद तक बने रहिएगा। कैमरा खुशी लाल के साथ मैं शमी रंजन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।